एनिमेशन मूवीज आज के समय में बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी खूब भाती हैं। और जब बात हो सिम्बा की तो उस मूवी को हर कोई देखना चाहेगा। और द लायन किंग जो कि 19 जुलाई को रिलीज होने वाली है, डिज्नी के प्रोडक्शन में बनी फिल्म द लायन किंग का हिंदी ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसके ट्रेलर में शाहरुख खान ने सबको अपनी ओर अट्रैक्ट किया है क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में मुफासा के लिए अपनी आवाज जो दी है। 1992 में आई एनिमेटेड क्लासिक को हिंदी में डब करने वाले शाहरुख की आवाज पर सोशल मीडिया पर भी खूब रिएक्शन मिल रहा है। सबको उनकी आवाज बेहद पसंद आई है। आपको बता दें कि शाहरुख ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ट्रेलर में ऐसा क्या खास है। दरअसल इस ट्रेलर में शाहरुख खान अपने वॉइस ओवर के सहारे अपने बेटे सिम्बा को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, सिम्बा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ रहूंगा, बस याद रखना कि तुम कौन हो, एक सच्चा राजा। हम सब कहीं ना कहीं एक नाजुक सी डोर से बंधे हैं। आम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वो क्या ले सकते हैं, लेकिन एक सच्चा राजा ये सोचता है कि वो क्या दे सकता है। सिम्बा हमेशा याद रखना कि तुम कौन हो, एक सच्चा राजा। और इस हिंदी वर्जन में सिर्फ ये ही खास नहीं बल्कि इस फिल्म में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी मौजूद हैं, यानी कि उनकी आवाज मौजूद है इस फिल्म में। सिम्बा की आवाज आर्यन ने दी है। वैसे ये पहली बार नहीं जब शाहरुख खान और आर्यन किसी फिल्म के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं। साल 2004 में शाहरुख और आर्यन ने मिलकर हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म द इनक्रेडिबल्स में अपनी आवाज दी थी। इस फिल्म के हिंदी वर्जन में शाहरुख ने मिस्टर इनक्रेडिबल और आर्यन ने उनके बेटे डैश को अपनी आवाज दी थी। इसके अलावा साल 2003 में आई करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम में शाहरुख और आर्यन ने साथ काम किया था। शायद आपको याद नहीं होगा लेकिन इस फिल्म में आर्यन ने शाहरुख खान के बचपन का किरदार निभाया था। और अब बात करते हैं द लायन किंग की। फिल्म को जॉन फेवरो द्वारा निर्देशित किया गया है और वॉल्ट डिज्नी ने इस फिल्म का प्रोडक्शन किया है। इसके अलावा आयरन मैन, आयरन मैन 2 और जंगल बुक जैसी फिल्मों का जॉन निर्देशन कर चुके हैं। इस फिल्म को पहली बार 1994 में रिलीज किया गया था। फिल्म के 25 साल पूरे होने पर दोबारा इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस फिल्म का कितना क्रेज अभी तक लोगों में बरकरार है। और अगर फिल्म में शाहरुख और आर्यन हो तब तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। साथ ही असरानी, आशीष विद्यार्थी, संजय मिश्रा और श्रेयस तलपड़े जैसे सितारों ने भी इस फिल्म के अलग अलग किरदारों के लिए आवाज दी है। ये फिल्म 19 जुलाई को इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। इस फिल्म को देखना बेहद खास होगा क्योंकि 25 साल पूरे होने के बाद फिर से जो आ रही है, और आप ही जानते हैं कि बादशाह और साथ ही बादशाह के बेटे आर्यन दोनों इस फिल्म में अपनी आवाज के जरिए कमाल करने वाले हैं।